सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर ब्लॉग्स भोपाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई, टाइटल हमने देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो अपनी किस बारे में है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रांड न्यू R15 V4 का रिव्यू। वो तो भाई, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार इसके वॉक अराउंड घुमा देता हूँ कि भाई R15 V4 का जो लुक है वो किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो भाई फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट लुक ये रहेगा अपने V4 का, जो कि भाई बहुत ही प्यारा है, एक मॉन्स्टर की तरह देखने को मिलेगी आपको। और भाई अब हम बात करें साइड लुक की, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा आपने V4 का राइट साइड व्यू। और भाई अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड व्यू की, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा V4 का लेफ्ट साइड व्यू। और भाई अब मैं आपको एक बार सीटिंग पोजीशन दिखा देता हूँ कि भाई R15 V4 में आपको सीटिंग पोजीशन कैसी क्या रहने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी सीटिंग पोजीशन है, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा इसकी फ्रंट सीटिंग पोजीशन। सो ओवरऑल आपको सीटिंग पोजीशन में भाई ये चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई इसका इग्निशन इस टाइप का है और ये हैंडलिंग रहने वाली है। मतलब आप लोग एक फील कर सकते हैं कि भाई ये सीटिंग पोजीशन रहेगी V4 की। तो भाई अपन पहले इग्निशन को बंद करते हैं और अपन चलते हैं पहले रिव्यू की तरफ। तो भाई रिव्यू में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो भाई इसमें आपको दो एडजस्टेबल मिरर देखने को मिलेंगे, जो कि भाई फुली एडजस्टेबल हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं भाई फ्रंट लाइट्स की। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो DRL देखने को मिलेंगे, जो कि आई शेप में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और भाई मॉडिफिकेशन के बाद तो भाई ये और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं अगर आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो। और भाई अब अपन बात कर लेते हैं हेडलाइट की। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प में देखने को मिलेगा, जो कि भाई रात के टाइम पर बहुत ही पावरफुल लाइट प्रोड्यूस करता है। और भाई इसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्रंट मड गार्ड है, जो भाई जो कि ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में आता है। और भाई जिसका सब लोगों को इंतजार था कि भाई यहाँ वाले R15 में USD शोकर देने लगे, तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि R15 में ये सब चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ वालों ने R15 V4 में USD शोकर दे दिए हैं, जो कि भाई गोल्डन कलर के साथ हैं और बहुत ही प्यारा लुक देते हैं भाई V4 में। भाई अब हम बात कर लेते हैं डिस्क प्लेट की। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3.5 mm की डिस्क प्लेट के साथ अपन को वाइवर के डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि डुअल चैनल ABS आते हैं। और भाई फ्रंट टायर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 180/17 का अपन को फ्रंट टायर देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस टायर है। और भाई राइट साइड की व्यू राइट साइड की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइड पैनल पर R15 V4 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ भाई इंडिकेटर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको इसमें वही पुराने इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, जो V3 में देखने को मिल रहे थे, वही हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर दिए हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया यहाँ वालों ने। और भाई साइड में अपन देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको यामा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि भाई बहुत ही प्यारी लग रही है। भाई अब हम बात कर लेते हैं रियर टायर की। तो आप लोग देख सकते हैं कि 140/17 R17 का अपन को रियर टायर देखने को मिलेगा, ये भी ट्यूबलेस टायर है। और भाई रियर ब्रेक की बात कर लें तो आप लोग देख सकते हैं कि 2.5 mm की डिस्क ब्रेक के साथ मिलेगा अपन को, ये ABS तो है ही भाई। और भाई बैक की बात कर लें तो आप लोग देख सकते हैं कि अपन को बैक में LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, जो कि भाई फुली LED है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं R15 V4 के इंजन के बारे में। तो भाई इसमें सेम वही इंजन देखने को मिलेगा आपको जो V3 में देखने को मिला था, 155 cc का लिक्विड कूल इंजन है। और भाई ये पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 BS की पावर जनरेट करता है 10,000 RPM पर और 14.2 Nm टॉर्क जनरेट करता है 7,500 RPM पर। तो भाई ये इसका इंजन स्पेसिफिकेशन रहा। गाइस V4 में आप लोगों को VVA देखने को भी मिलेगा, VVA का मतलब वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन, जो कि भाई V3 में भी अपन को देखने को मिला था। और भाई अगर अपन यहाँ पर क्विक शिफ्टर की बात करें तो इसमें ब्लैक कलर और रेड कलर में आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर V4 का रेसिंग ब्लू कलर परचेस करते हैं तो आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा। और भाई अब अपन बात कर लेते हैं इग्निशन और स्विचेस के बारे में। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इग्निशन रहेगा V4 का। भाई चालू होने पर कुछ इस तरीके का आपको मल्टी फंक्शंस देखने को मिलेंगे V4 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और भाई ये अपन राइट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पर 2-in-1 स्विच देखने को मिलेगा, जिसमें भाई ये स्टॉप का बटन है और इसको यहाँ पर करेंगे तो ये इग्निशन चालू और इसके बाद ये सेल्फ आपको देखने को मिलेगा। उसी के नीचे भाई आपको यहाँ पर 1000 लाइट का स्विच मिलता है, जो कि भाई V3 वगैरह में नहीं देखने को मिला था। और भाई उसी के नीचे अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोड्स का बटन देखने को मिलेगा, ये ट्रिप और इन्फो, तो आप यहाँ पर जाकर मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपनी बाइक के। और भाई लेफ्ट साइड की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको
हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिलेगा, और भाई इसके बाद आपको यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच है, और फिर ये अपन हारन देखें तो भाई इसमें आपको डबल हारन देखने को मिलेंगे। और अब अपन भाई मीटर की बात कर लें तो एक बार पहले मैं इसको बंद करता हूँ, तो पहले हम करते हैं इग्निशन को ऑन। तो भाई कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा V4 के मीटर में। तो भाई देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, इसके बाद अपने को मैसेज का आइकन है, इसका कॉल का है, फिर टेम्परेचर का है, और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ABS का भी है, और यहाँ पर पासिंग लाइट का भी है, और यहाँ पर आपको TCS देखने को मिलेगा जो कि भाई V3 वगैरह में नहीं आया था, V4 में ये अपडेट कर दिया गया है। TCS का मतलब होता है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल। इसमें भाई होता क्या है कि जब आपको मतलब एकदम से पावर प्रोड्यूस करने लगती है बाइक और टायर फिसलने लगता है, स्किट होने लगता है, तो उस टाइम पर भाई गाड़ी ऑटोमेटिक अपनी पावर कट कर देती है और गाड़ी ऑफ हो जाती है। और भाई मीटर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोड्स देखने को भी मिलेंगे। तो भाई ये अभी स्ट्रीट मोड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये स्ट्रीट मोड है, और यहाँ पर आपको गियर देखने को मिलेंगे, और भाई यहाँ पर आपको RPM देखने को मिलेगा। इसके बाद ये ऑडोमीटर है, ये ट्रिप वन है, ये एवरेज दिखा रही है भाई बाइक, और यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको टाइम भी देखने को मिलेगा। तो भाई मोड चेंज करने के लिए आपको पहले ये फंक्शंस की जगह पर आपको एक बार इनपुट बटन दबाकर आपको ये नीचे वाले पर आना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन पर। इसके बाद भाई यहाँ पर आपको एवरेज देखने को मिलेगा, और फिर TCS देखने को मिलेगा भाई जो कि अभी ऑन है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज देखने को मिलेगा 12.4 बता रहा अभी, और यहाँ पर ये कूलेंट है भाई 53 डिग्री सेल्सियस में बता रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये अभी ट्रैक मोड में है, और अगर इसको चेंज करना है तो आपको ये बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा इन्फो वाला, और आप देख सकते हैं ये ट्रैक मोड में आ चुकी है बाइक। ट्रैक मोड में बेसिकली होता क्या है कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा वो 6000 RPM के बाद देखने को मिलेगा, बाकी का जो है ना वो हाइड हो जाता है। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर मोड भी आ गया है ट्रैक मोड। और इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रीट मोड की, तो आपको वापस से ये वाला इन्फो वाला बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो भाई अब अपन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब आ गई बाइक अपनी स्ट्रीट मोड पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 RPM से स्टार्ट हो गया, पहले ये वाले 5000 RPM तक हाइड हो गया था मीटर। तो भाई ये डिफरेंस है, और यहाँ पर भाई आपको लाइट देखने को भी मिलेगी, लिमिटर की लाइट देखने को मिलेगी जो कि बहुत प्यारी लगती है, एक बार मैं आपको जला के बताता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं ये 5 बल्ब मिलते हैं आपको देखने के जो कि लिमिटर के हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं RM5 V4 के एग्जॉस्ट नोट की, तो आप लोगों को मैं सुना देता हूँ एक बार। तो भाई कुछ इस तरीके का आपको साउंड देखने को मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी नॉर्मल है, मैं इसमें आप कोई भी RPM वगैरह नहीं दे रहा हूँ, एक्सलेटर वगैरह नहीं दे रहा। तो भाई अब जब मैं एक्सलेटर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का साउंड देखने को मिलेगा आपको V4 में, और ये तो भाई ये आपको देख सकते हैं कि ये इसका फुल साउंड है जो कि भाई बहुत ही प्यारा है, कहीं ना कहीं 150 cc के सेगमेंट के हिसाब से भाई बहुत ही प्यारा है। और थोड़ा सा अगर अपन इसको राइड रिव्यू करके बता देता हूँ कि इसकी पावर वगैरह जो है वो कैसे क्या है। सो गाइस अब अपन करते हैं इसका राइड, तो पावर बता रहा हूँ पहले में कितनी आती है। सेकंड में 70, थर्ड में 98। भाई ब्रेक की बात करें तो भाई इसकी ब्रेकिंग काफ़ी प्यारी है, मतलब इशारों पर रुक रही है बिल्कुल बाइक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई पावर तो भाई बहुत है इसमें, एक बार खींचता हूँ फिर से और फिर ब्रेकिंग लगा के बताऊंगा। ये पहले पे तो आप लोग देखिए, पहले में 48, सेकंड 70 और थर्ड में 97। तो भाई ये कुछ पावर रही V4 की। और भाई ब्रेकिंग की भी बात करें तो भाई बहुत प्यारी ब्रेकिंग है, अगर ABS है तो भाई पावर तो आपको देखने को मिलेगी। तो भाई अभी जो मेरा कैमरा था वो नॉर्मल था, अब अपन ने इसको वाइड एंगल पर कर लिया है, अल्ट्रा वाइड एंगल पर। एक बार और भगा के बताता हूँ यहाँ से, तो आप लोग देख सकते हैं किसमें जो पावर मिलेगी आपको देखने को भाई, ओवरऑल बहुत ही प्यारी पावर देखने को है, और ब्रेकिंग भी भाई बहुत प्यारी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ राइड।